नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्रिश्चॉफ्स लॉ है। जो बच्चा फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, इसरो में वैकेंसी आया हुआ है, विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर में वैकेंसी आया हुआ है, आप जाइए किसी साइबर कैफे में जाइए, वहां से अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए, फिर पढ़ाई में आप लग जाइए। फॉर्म जब तक आप फिलअप नहीं कीजिएगा, जब तक से आप एग्जाम नहीं दीजिएगा, तब तक से आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, हम पढ़ कहाँ से रहे हैं। इसके लिए भी एग्जाम देना बहुत जरूरी है। आप जाइए फॉर्म को फिलअप कीजिए और एग्जाम दीजिए। आइए अब हम देर नहीं करते हैं, जो लोग इस यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनसे ये निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो लोग भी निरंतर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी लगातार आ रही है और जो टेक्निकल किसी भी टेक्निकल के एग्जाम के लिए इससे बेस्ट और फ्री क्लासेज और कुछ हो नहीं सकता है। आप टेक्निकल एग्जाम वॉरियर पे जाइए, एग्जाम वॉरियर, टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां वन से लेकर सारे क्लास वन बाई वन क्लास को डाला गया है। आप जो है वहां अच्छा आपको फ्री क्लासेस और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी के लिए आप 3,000, 5,000, 10,000 कोर्स के लिए पैसा देते हैं। बहुत सारे लड़कों के पास मैसेज आता था, जब हम क्लास ये स्टार्ट हुआ था उस समय बच्चों की जनसंख्या जो थी बहुत ही थोड़ा कम था, लेकिन आज के डेट में ये पूरी तरीके से क्लास फुल रहता है। तो आप लोगों से भी हम यही कहते हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं, जो चीज अगर टेक्निकल में, इससे ज्यादा टेक्निकल में कुछ आता नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना होगा और फॉर्म को अपने फिलअप करते रहना होगा। ये फ्री क्लासेज है, आपका सिर्फ यही प्यार है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे थे, चलिए आप जो है हम बात करते हैं क्रिश्चॉफ्स लॉ की। देखिए क्रिश्चॉफ्स ने दो नियम बतलाया था, दो नियम दिया था। एक जो नियम था उसका नाम था केसीएल यानी क्रिश्चॉफ्स करंट लॉ, एक जो है दूसरे का नाम है केवीएल यानी क्रिश्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब सबसे पहले प्रथम नियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रथम नियम क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले प्रथम नियम के बारे में जानते हैं। देखिए क्रिश्चॉफ्स ने दो नियम बताया था, जो पहला नियम दिया था प्रथम नियम को केसीएल कहते हैं। केसीएल का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है क्रिश्चॉफ्स करंट लॉ, या इसको जैक्सन लॉ भी बोला जाता है या नोड लॉ भी कहते हैं। अब आइए यह नियम जो है बतलाता है कि किसी सर्किट में, किसी सर्किट के जंक्शन या पॉइंट पर करंटों का भी गणितीय योग जीरो होता है। सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बिंदु की ओर आने वाली करंट का योग बिंदु से बाहर जाने वाली करंट के कुल करंट के योग के बराबर होता है। यानी आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह प्रथम नियम कहता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यह नियम जो है आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। गांठ देखिए आजकल क्या देता है एग्जाम में, नोड जो है, नोड को कभी कभी यह कहता है गांठ, हिंदी में दे देता है गांठ, ठीक है, यह गांठ देता है। तो नोड किसे कहते हैं, नोड जो होता है वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक बिंदु मिलते हैं उसे नोड कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह है, ठीक है, अब इस तरीके से है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका बीच का पॉइंट है, दो या दो से अधिक अगर बिंदु आपस में मिलते हैं उसको नोड बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए दो या दो से अधिक बिंदु आपस में मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलते हैं
या नोड बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि केसीएल ला के बारे में बताइए या जक्सन ला के बारे में बताइए, तो या नोड ला के बारे में बताइए केसीएल, ठीक है। तो नोड ला भी दिया तो इसका मतलब क्रिश्चॉप्स का प्रथम ला, जक्सन ला भी पूछ रहा है तो क्रिश्चॉप्स का ये प्रथम ला, केसीएल अगर पूछता करंट यानी क्रिश्चॉप्स करंट ला, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि क्रिश्चॉप्स ने आता है एग्जाम में क्रिश्चॉप्स ने कितने नियम दिए हैं, तो दो नियम। अब आइए इस पर क्वेश्चन को हल करते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग हल करते हैं, तो समझने का कोशिश कीजिएगा फिर इसको हम समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया, आने वाली करंट और जाने वाली करंट के बीच गुणितीय योग शून्य होता है। तो अब बताइए यहां सब जो है धारा ये जंक्शन पर आकर एक मिल रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक बिंदु आपस में जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब देखिए आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा, तो बताइए कि जंक्शन की ओर कौन कौन से आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है, ठीक है। जब जंक्शन की ओर जो आ रहा है वो एक तरफ होगा, जो बाहर जा रहा है वो एक तरफ लिखा जाता है। जैसे देखिए ए है, ये बिंदु की ओर आ रहा है, ठीक है, ए जंक्शन के अंदर की ओर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, देखिए सब क्या है, हम ये जंक्शन दे दिए, ये एरो जो है ये निशानी दे रहा है कि करंट जंक्शन की ओर आ रहा है या बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए हमको कि ये क्या है, आई एन आई यानी करंट ला है, तो भाई आई ए नाम दे दिए, आई बी नाम दे दिए, आई सी दे दिए, आई डी आई ई आई एफ, ये नामकरण हमने दे दिया इसका। अब आपको बताना है कि कौन कौन से करंट इस बिंदु की ओर आ रहे हैं या जंक्शन की ओर आ रहे हैं और कौन करंट जो है वो बाहर जा रहे हैं। जो करंट अगर अंदर की तरफ आएगा वो एक तरफ लिखा जाता है और जो बाहर की तरफ आएगा वो एक तरफ लिखा जाता है। अब जैसे देख लीजिए आप, जैसे आई वन तो ये क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, एरो किस बता रहा है कि ये अंदर की तरफ आ रहा है। आई बी ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन आई सी ये बाहर आ रहा है, जंक्शन से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। आई डी ये जंक्शन से बाहर आ रहा है, आई ई ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये क्या है आई ए यानी जंक्शन के अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आई ए ये अंदर की तरफ आएगा तो क्या करेंगे, आई ए प्लस, ठीक है, आई ए प्लस जो अंदर की तरफ आएगा उसको पहले लेंगे, आई ए प्लस आई बी, आई बी, ठीक है, ये सी बाहर जा रहा है, डी बाहर जा रहा है, अब क्या है आई ई प्लस आई ई प्लस आई एफ, ये क्या है आई एफ, ये हो गया। जो अंदर के तरफ आता है उसको एक साइड लिखते हैं, यानी पहले लिख लेंगे, जो बाहर की तरफ जाएगा उसको पहले एक लिखेंगे, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। अब क्या लिखेंगे यहां, देखिए बाहर जो जा रहा हो एक तरफ होगा आई सी, आई सी, ठीक है, आई आई सी प्लस आई डी, आई आई डी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा वाला को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए आई ए प्लस आई बी प्लस आई ई प्लस आई माइनस, ठीक है, माइनस आई सी प्लस आई डी, आई डी,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यही तो है, समझने का कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप ये जो बेंच है उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर से देख लीजिए आप, हमने बताया कि जो आने वाली करंट है और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जो इस एरो से ये जंक्शन की ओर आएगा, ठीक है, जो एरो से जो धारा जंक्शन की ओर आएगा उसको एक तरफ लिया जाता है, जो बाहर निकलता है उसको एक तरफ लिखा जाता है। जैसे देखिए अंदर की तरफ क्या है, आई ए है, आई बी है, आई एफ है, ठीक है, ये जंक्शन की ओर आ रहा है करंट। और बाहर कौन कौन जा रहा है? तो देखिए आई सी बाहर जा रहा है, आई डी बाहर जा रहा है, आई सी बाहर जा रहा है, इतना लिख दिए। माइनस जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटाते हैं तो इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। यही होता है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आया? आया। अगर समझ में नहीं आया है तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए समझ में कैसे आता है। देखिए आई ई और आई डी में आप लोग हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ गए, समझ गए, समझ गए आप लोग से कहां पर दिक्कत हो रहा है। देखिए आई डी और ये कर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए इसको आप लोग समझिए पहले। अब इसमें बताइए कि ये जंक्शन है, जंक्शन के अंदर कौन कौन से करंट आ रहे हैं बताइए। 12 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है, और I3 दिया है, I3, ये I3 है, यानी इसी का मान को निकालना है, ठीक है, क्योंकि I3 दे दिया है, I3 कहिए ना इसको, यानी इसी के मान को निकालना है, कि ये बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ये 10 12 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है, 10 एम्पियर जंक्शन की ओर आ रहा है, 20 एम्पियर क्या बाहर की ओर जा रहा है, 30 एम्पियर बाहर की ओर जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अंदर की तरफ आता है उसको लिखिए 12, क्या लिखेंगे 12 एम्पियर भी लिख सकते हैं, 12 एम्पियर ऐसे लिख दीजिए, 12 ए प्लस 10 ए, ठीक है, प्लस ये निकालना है आई थ्री के मान, ठीक है, ये आई थ्री हम ले लिए, इसी का मान पूछ रहा है कि आई थ्री इज इक्वल टू व्हाट, यहां क्या होगा, ये जो अंदर की तरफ करंट जा रहा है इसका मान क्या होगा, तो 10 प्लस 12 आई थ्री ले लिए, आई थ्री इज इक्वल टू व्हाट, यहां क्या करें इज इक्वल टू, यहां देखिए 20 बाहर कितना आ रहा है, देखिए बाहर की तरफ क्या आ रहा है, 20 एम्पियर 30 एम्पियर, ठीक है, बाहर की तरफ क्या जा रहा है, 20 एम्पियर और 30 एम्पियर, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 एम्पियर प्लस 30 एम्पियर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बताया कि जो बड़ा होता है उसमें छोटा को घटा दिया जाता है। अब I3 के मान निकालना है तो क्या करेंगे, I3 को यहां लेंगे, I3 इज इक्वल टू डायरेक्ट करते हैं, 20 और 30 कितना हो गया 50, ठीक है, 20 और 30 12 या 10 कितना हो गया 22, माइनस 22 माइनस 22, जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा घट जाएगा, ठीक है, 22 तो कितना हो जाएगा, आई थ्री का मान कितना आ जाएगा, तो आई थ्री का जब 22 घटाइएगा तो आई थ्री का मान आ जाएगा, 20 में से अगर 50 में से घट गया तो कितना हो जाएगा 28 एम्पियर, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, यानी अंदर की तरफ कितना जा रहा है 28 एम्पियर, 28 एम्पियर। समझ गए या फिर बताएं? ठीक है, समझ लीजिए। देखिए एक जंक्शन है, इस जंक्शन की ओर क्या हो रहा है कि 12 एम्पियर अंदर ये जंक्शन की ओर आ रहा है, 10 एम्पियर भी जो है
अंदर की तरफ आ रहा है, पूछ रहा है कि आई जो थ्री है इसका वैल्यू क्या होगा। 20 एम्पियर बाहर की तरफ जा रहा है जंक्शन से, 30 एम्पियर बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया कि जो अंदर की तरफ आता है उसको एक साइड लिखते हैं, जो बाहर की तरफ जाता है उसको एक साइड लिखते हैं। तो अब देखिए, यानी आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देख लीजिए यहां कि 12 एम्पियर लिख दिए, 10 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है, 10 एम्पियर लिख दिए, I3 का मान को हमको जानना है, वो निकालना है, ये लिख दिए। बाप 20 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा है, 30 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या लिखे, 20 एम्पियर इज इक्वल टू 20 एम्पियर प्लस 30 एम्पियर। अब देख लीजिए, हमने कहा कि जो बड़ा रहता है उसमें से छोटे को घटा देते हैं। अब बताइए 20 कितना होगा, 50, 12 10 कितना होगा, 22, तो बड़ा कौन है, 50। तो I3 का मान निकालना है, तो I3 इज इक्वल टू 50 माइनस 22 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 28 एम्पियर आंसर, यानी I3 का मान 28 एम्पियर आया। यानी अंदर की तरफ जो करंट जा रहा है, अंदर की तरफ जो करंट जा रहा है वो 28 एम्पियर जा रहा है। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया, वाह गुड। इसी पर एक और क्वेश्चन है, आप लोग हल करिए। कितने लोग बना लिए, सबका बन गया, यानी सबको समझ में आ गया। चलिए, दो लोगों का नहीं, अच्छा ठीक है, देख लीजिए। देखिए हमने क्या कहा, जो अंदर की तरफ आता है पहले उसको लेंगे। देखिए 6 एम्पियर क्या हो रहा है, जंक्शन के अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या लेंगे 6। 9 एम्पियर क्या आ जा रहा है, अंदर की तरफ क्या लेंगे 9 प्लस 6 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है, ले लेंगे 6 बाहर के। अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू बाहर की तरफ क्या जा रहा है 3 एम्पियर प्लस किसका मान निकालना, बाहर की तरफ जो जा रहा है आई, ये आई लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए 9 और 6 कितना हो गया 15, यानी आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9 और 6 15, और ये कितना है 3, कितना हो गया घटेगा 12, तो 12 एम्पियर आंसर। समझ में आया किसको, अंदर की तरफ जो आ रहा है 6 एम्पियर, 9 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है, 3 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा है, और आई का मान निकालना है, जो बाहर की तरफ करंट है इसका मान निकालना है। हमने क्या कहा कि क्या होगा, जो अंदर की तरफ आएगा एक साइड रहेगा, जो बाहर की तरफ जाएगा वो एक साइड रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 9 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है, ये एरो जो है जंक्शन की ओर आ रहा है, तो 9 एम्पियर को ले लिया। फिर क्या किया, 6 एम्पियर को ले लिया प्लस 6 एम्पियर को ले लिया इज इक्वल टू, अब क्या किया कि जो बाहर की तरफ आएगा वो एक साइड रहेगा, यानी 3 एम्पियर प्लस आई, आई का मान निकालना है, आई ले लिए। 9 और 6 कितना हो गया 15, आई इज इक्वल टू 9 और 6 15, हमने क्या किया 12 में से छोटा को घटाया जाता है, 15 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा 12, ये हो गया आंसर। आई थिंक क्रिशोप्स ला, इसी तो प्रकार के आपके एग्जामों में क्वेश्चन आएंगे, और भी जितने भी क्वेश्चन है उसको बैठकर घर पर बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए, अब चलते हैं इसके दूसरे, आइए अब देखिए दूसरा ला, क्रिशोप्स के दूसरे ला में हम लोग क्या करते हैं उस चीज को आइए जानते हैं। देखिए द्वितीय ला को KVL या लूप ला भी बोला जाता है, KVL क्रिशोप्स वोल्टेज ला या लूप ला भी बोला जाता है, यानी किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। दूसरा क्या होता है कि यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, यह क्वेश्चन आता है ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां देखिए हमने बनाया है एक सर्किट बनाया है, R1 यहां बैटरी से वोल्ट दे दिया, R1 प्लस R2 ठीक है, V1 प्लस V2 ठीक है, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 1 V1 प्लस V2 ठीक है। यहां देख लीजिए बैटरी में जब भी हम लोग लेते हैं
तो बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं। बैटरी में अगर सर्किट जुड़ा रहेगा तो हम लोग क्या चलेंगे, देखिए एक सर्किट है तो इसके पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, जब भी बैटरी से लेंगे तो इसके पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगे, चलते हैं, लेकिन वोल्टेज को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। जैसे ये मान लो कि एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, ये भी 10 वोल्टेज यहां भी है, 12 वोल्ट यहां भी दिया गया है, रेजिस्टेंस का मान 1 ओम है, यहां भी रेजिस्टेंस का मान 1 ओम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी बैटरी से चलते हैं तो प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा, जो चिन्ह लेंगे वो माइनस का चिन्ह लेते हैं। जैसे देखो ये 10 वोल्टेज है तो ये क्या बैटरी है, तो बैटरी से जब चलेंगे तो पॉजिटिव से क्या चलेंगे, निगेटिव की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव से सबसे पहले क्या लिया है, चिन्ह क्या लेंगे, निगेटिव, निगेटिव माइनस 10। अच्छा ये लोग पढ़ने के लिए ठीक है, बैठिए 10 मिनट में आते ही। यहाँ जो है ये जो है विद्युत परिपथ में ये ऊर्जा के, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है। देखिए किरचॉफ्स का ये दूसरा नियम है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने क्या बताया कि ऊर्जा के, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें किसी विद्युतीय परिपथ में बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणित योग शून्य होता है। जब भी हम लोग लेते हैं तो बैटरी में चलते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं, तो वोल्टेज जो है, चिन्ह जो रहता है वोल्टेज का, वो लेते हैं निगेटिव। देखिए 10 को निकाल लिया निगेटिव। अब देखिए आई का मान जो है, हम ये आई कैसे चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पिन क्या लिखे, प्लस आई इंटू 1, ये 1 है। फिर क्या चलेंगे, जब बैटरी में माइनस की ओर चलेंगे, जब माइनस से चलेंगे तो माइनस से हम लोग पॉजिटिव की ओर चलेंगे, प्लस की ओर चलते हैं, तो वोल्टेज का चिन्ह हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग वोल्टेज का जो चिन्ह लेते हैं वो प्लस लेते हैं। यहां भी देख लीजिए क्या है, प्लस है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए, आई इंटू 1 प्लस 12, देखिए क्या लिए, अब माइनस से चलेंगे तब क्या लेंगे, माइनस से पॉजिटिव की तरफ तो माइनस, यहां पर क्या लिए, 12। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए सर्किट हल किए तो 2 12 में से इससे 10 को घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 आई इक्वल टू 0। फिर इसी माइनस आई यहां भी इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या बोला, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दो कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 में से 2 ये कितना हो जाएगा, ये क्या बचेगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। समझ में आया, ये था आपका किरचॉफ्स लॉ। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन मतलब ये पूछता है कि केवीएल जो ला है, किरचॉफ्स का वोल्टेज जो ला है, और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये था किरचॉफ्स ला, आई थिंक समझ में पूरा आया होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे, थैंक यू सो मच क्लास। और जो लोग, फिर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अगर फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं वो जरूर आए, फॉर्म को फिलअप जाइए इसरो में, इसरो के साइट पर कि साइबर कैप में फॉर्म को पहले फिलअप कीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज जो है किरचॉफ्स खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक है हम लोग का है पावर निकालना, शक्ति, ठीक है, एनर्जी को कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।